वाई गुरु जी, मैं आपके बीच आपकी दीप्ति, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाइफ कोच एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही चेयरफुल रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, जिद्दी भी होते हैं और खुद से बहुत प्यार करते हैं। शायद आप समझ ही गए होंगे, नंबर 3, गुरु का नंबर। नंबर 3 के जो लोग होते हैं वो रूल करते हैं प्लैनेट जुपिटर से। ऐसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 को, 21 को एंड 30th को जो भी बॉर्न होते हैं वो रूल करते हैं प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर मतलब कि गुरु, गुरु मतलब कि टीचर, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें नॉलेज देता है। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। ये लाइफ में कभी भी किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जी हाँ, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आप उन्हें नहीं भी जानते हैं या कहीं पर भी सोसाइटी में या उनके फ्रेंड सर्कल में कोई भी किसी भी तरह की कोई गलत बात बोलेगा तो वो डेफिनेटली जाएंगे और ज़रूर बोलेंगे कि नहीं, आप यहाँ पे गलत हैं। उन्हें ज्ञान, नॉलेज देना बहुत पसंद होता है, क्योंकि डेफिनेटली गुरु का नंबर है तो उनका तो काम ही होता है दूसरों को ज्ञान देना। इमेजिनेशन की पावर बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। अपनी दुनिया में रहते हैं, ज़्यादा दूसरों से कोई मतलब नहीं होता इन लोगों को, बट हाँ, अपने से, खुद से बहुत प्यार करते हैं। उनको किसी के अच्छे या बुरे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी खुद की अपनी डॉटर है, मैं अगर कॉमनली बात करूं, क्योंकि मेरा ये फेवरेट नंबर इसलिए भी है क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड है। मेरी खुद की डॉटर 3rd of December बॉर्न है, तो बचपन से बड़े होते हुए देखा है उसको। मेरे फादर वो 21 से रूल करते हैं, तो वो भी नंबर 3 से रूल करते हैं। हमेशा उन्होंने सिखाया है, जब होता था ऐसे नहीं करना, ये क्यों कर रहे हो, ये गलत है, तो वो एक मतलब उनके नेचर का पार्ट है कि उन्हें हमेशा दूसरों को समझाना, गाइड करना। आप देखेंगे जो नंबर 3 के लोग होते हैं, उनकी एक नेचर होती है, वो अपनी इस फिंगर को, ये हमारी जुपिटर फिंगर होती है, इस नंबर से बात करते हैं, क्योंकि बॉर्न एज ए लीडर, तो ऐसे करके कौन बात करेगा, जिसमें एक पावर होती है, एक क्वालिटी होती है लीड करने की। तो एक बहुत अच्छे लीडर होते हैं ये, इनको किसी की बात सुनना पसंद नहीं होता, ये हमेशा अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं और डेफिनेटली दूसरों को भी चाहते हैं कि वो उनकी इस पावर को समझें और उसे फॉलो करें। लाइफ का तजुर्बा इनका बहुत अच्छा होता है। क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई, ज्ञान का भंडार, नॉलेज जहाँ से भी जैसे भी इन्हें मिलती है, अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करते हैं, अपने प्रोफेशन के बारे में इतनी सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं कि इन्हें किसी और की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होती। लीडिंग करना, लीड करना, गाइड करना इनके फेवरेट पार्ट होते हैं। हमेशा आप जब भी देखेंगे, ज़्यादातर आपको ये इस तरह के जो लोग होते हैं, या तो उनके अंदर टीचिंग स्किल्स आप देखेंगे कि उनके अंदर टीचिंग क्वालिटी होती है। गुरु जो समझने और समझाने की पावर है, हर किसी के बस का नहीं होता कि वो किसी के पास जाएं और ये कहें कि आप मेरी बात मानो, लेकिन उनके अंदर वो गट्स होते हैं कि वो अपनी बात को कहते हैं इस तरीके से कि सामने वाला उनकी बात सुनता है। गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब हम कुछ नेगेटिव फेट्स के बारे में बात करते हैं। इनमें नेगेटिव क्या है? जिद सबसे बड़ी चीज़ कि इनके अंदर जितना पैशन होता है अपने काम को लेके, इनसे आप अपने काम के लिए अगर ऑनेस्टी की बात करें, रात के 12 बजे तक इनसे आप काम करा सकते हो, क्योंकि एक जुनून होता है अपनी कोई भी चीज़ पाने का, जो जज्बा होता है वो आप इनसे सीख सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे नेगेटिव अगर हम ट्रेंड की बात करें, इनके शेड की बात करें, तो वो सबसे ज़्यादा जिद। अगर किसी चीज़ की जिद इन्हें आ जाए तो ये उस जिद से इन्हें कोई हटा नहीं सकता। लाइफ के एक्सपीरियंस आप इनके साथ बैठे, खुद ये बताएंगे इनकी लाइफ में क्या क्या, कैसे कैसे इन्होंने अचीवमेंट लिए हैं। जिद, और कहीं ना कहीं अगर आप सोच के देखिए, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बहुत ब्लंट होते हैं, अगर ऐसे लोग होते हैं तो क्या उन्हें बहुत सारे लोग पसंद करेंगे?
नहीं, इनका जो सर्कल होता है बहुत लिमिटेड सर्कल के लोग जो इन्हें समझ पाते हैं वही इनके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है बुरा लगेगा, सामने से जवाब आएगा, कुछ पसंद नहीं होगा, ब्लंटली बोलेंगे। अब हम इनके फेवरेट कलर्स की बात करें तो इनका जो फेवरेट कलर है डेफिनेटली येलो कलर इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। येलो कलर हो गया, मैजेंटा कलर हो गया, चॉकलेट कलर हो गया, पर्पल कलर हो गया, ऑलमोस्ट सभी कलर्स इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। वाइट कलर को अगर ये अवॉइड करें तो बहुत 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 अच्छा है। वाइट कलर की कोई भी चीज़ अगर ये मतलब सजेशन है ये कि वाइट कलर के कपड़े कम से कम वेयर करें, कोई स्पेशली कहीं कोई जाना है या कुछ करना है, मीटिंग है, स्पेशल कुछ है, वाइट कलर इन्हें वेयर नहीं करना चाहिए। आपसे मिलने वाले प्यार के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें आपकी वेट कर रही हैं। कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचा पाऊँ, आपको शेयर कर सकूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओम साईं राम, जय गुरु जी।